हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट सीबीसी ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसको कौन से कंडीशन में करवाया जाता है, इसके कौन से अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड सैंपल देने से पहले क्या सावधानी की ज़रूरत होती है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है और साथ में इसके नॉर्मल रेंज अलग अलग पैरामीटर्स की क्या होती है और जो फाइनल रिपोर्ट्स मिलती है उसके रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन खुद से किया जाता है। आइए दोस्तों, पहला जानते हैं सीबीसी ब्लड टेस्ट क्या है। सीबीसी ब्लड टेस्ट को कंप्लीट ब्लड पिक्चर से बोला, इसको कई जगह कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, पेरिफेर स्मीयर एग्जामिनेशन, एनीमिया टाइपिंग, पीएस कमेंट, इस तरह से अलग अलग नामों से इसको डॉक्टर्स पर्चे पे लिखते हैं और एडवाइज करते हैं। इसमें आपके शरीर में जो ब्लड के एलिमेंट्स हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है कि उनका नंबर कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया, साथ में उनके अंदर किसी टाइप का चेंज तो नहीं आया है न्यूट्रोफिल के अंदर, जैसे टाइजी ग्रेन्यूल्स आ रही है, इसी तरह से प्लेटलेट का साइज बड़ा कम हो ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो ये सारे पैरामीटर्स सीबीसी ब्लड रिपोर्ट में अध्ययन किया जाता है। सीबीसी ब्लड रिपोर्ट से आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ, अगर शरीर में कहीं भी किसी टाइप का चेंज होने वाला है बीमारी में या कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन ब्लड सेल्स में ही चेंज आता है। इसलिए पूरा ओवरऑल बॉडी के हेल्थ देखने के लिए बहुत ही अच्छा एक ब्लड टेस्ट माना जाता है। अगर आपके न्यूट्रिशन में कमी हो जाएगी, कोई पैरासाइट आ जाएगा, कोई आपकी एंटीबायोटिक डाली जाएगी, तो सबसे पहले इन ब्लड एलिमेंट्स में चेंज आता है। तो आइए पहले देखते हैं कि ब्लड टेस्ट किसको कराया जाता है, इस टेस्ट के क्या इंडिकेशन है। पहला जो फर्स्ट इंडिकेशन है कि किसी बीमारी का पता लगाने में, जैसे किसी को फीवर आ रहा हो, वीकनेस हो, चक्कर है, उल्टी, दस्त लग रहा है, या कहीं चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, एलर्जी है, सिर में दर्द हो रहा है, सबसे पहले ये उसको पता लगाने के लिए सीबीसी ब्लड टेस्ट किया जाता है। सेकंड थिंग है कि कोई बीमारी है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए दवाई का क्या असर है, उसके लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। सपोज करो जैसे अभी आपका ऑपरेशन हुआ है या एंटीबायोटिक चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, या बेड रेस्ट एडवाइज किया गया है, उस केस में किया जाएगा। थर्ड चीज़ है आपका ओवरऑल हेल्थ चेकअप करने के लिए कि किसी तरीके से कोई बीमारी आने वाली तो नहीं है और आपके ओवरऑल इम्यूनिटी कैसा है, ये चेक करने के लिए सीबीसी ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि सीबीसी ब्लड टेस्ट के अलग अलग कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो सीबीसी ब्लड टेस्ट में तीन सेल्स होते हैं, एक है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है शरीर में, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, आरबीसी का काउंट है, हीमेटोक्रिट है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएससी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एंड आरडीडब्ल्यू को बोलते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इससे हम आरबीसी के सारे पैरामीटर्स देखते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी जो कि प्रतिरक्षा का काम करती है शरीर के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसमें टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट और उसके अलग अलग पांच डिफरेंशियल सेल हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल को देखा जाता है। थर्ड जो सेल है वो प्लेटलेट है। प्लेटलेट के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, टोटल प्लेटलेट काउंट, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम और प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, कुछ सीबीसी एनालाइजर मशीन प्लेटिकलेट भी देते हैं। प्लेटलेट का काम है थक्का बनाने के लिए। तो ये तीन सेल के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि सीबीसी ब्लड टेस्ट के लिए कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो सीबीसी ब्लड टेस्ट लगभग सब लोगों ने ही कराया होगा। ये वेन से सैंपल लिया जाता है और ईडीटीए ट्यूब में लगभग 1 ml तक ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसको कराने की तीन स्टेप्स हैं, वो पहले समझ लीजिए कि सारी रिपोर्ट कैसे बनती है। फर्स्ट स्टेप, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उससे एक स्मीयर बनाई जाएगी स्लाइड, और उसको लीशमैन स्टेन में स्टेन किया जाएगा। सेकेंड है सीबीसी, एक एनालाइजर मशीन होती है, उसमें पिलाया जाएगा आपके ब्लड सैंपल को और मशीन से चिट आ जाएगी। और जो थर्ड चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर उस सारे पैरामीटर्स को माइक्रोस्कोप से चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, क्योंकि मशीन की देखिए दोस्तों एक लिमिटेशन होती है, वो इस तरह से डिजाइन होती है कि वो सिर्फ नंबर बता पाती है। और उस केसेस में जब सब कुछ नॉर्मल हो, अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो सेल्स अपने क्या है रूप बदल लेते हैं। जब रूप बदल लेंगे तो मशीन को भी वो धोखा देते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में काउंट होता है, प्लेटलेट आरबीसी में काउंट हो जाता है, उसके लिए स्मीयर को हमेशा स्लाइड से चेक किया जाता है। तो अगर स्लाइड से चेक नहीं किया गया इसमें तो सीबीसी रिपोर्ट्स की ज्यादा
बहुत ज़्यादा, कई बार तो रिजल्ट ठीक हो सकता है पर ज़्यादातर 10% 5% 15% केसेस में रिपोर्ट गड़बड़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली बीमार लोगों में स्मियर जरूर देखना है। अब आइए देखते हैं कि ब्लड सैंपल देने से पहले क्या किसी तरह की सावधानी या प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो ब्लड सैंपल 24 घंटे में कभी भी दिया सकता है, किसी तरीके से कोई फास्टिंग नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके हाथ में सलाइन ड्रिप चल रही है, उससे ब्लड चढ़ा हुआ है, उस हाथ से सैंपल नहीं लेना, क्योंकि डायल्यूशन हो जाएगा और सारे सेल्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब ये जो सीबीसी टेस्ट के जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, 20 से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, कुछ आरबीसी के होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी के होते हैं और कुछ प्लेटलेट के होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की एज क्या है और उसका जेंडर मेल फीमेल में बिल्कुल अलग होता है, और एज के हिसाब से बच्चों में बिल्कुल अलग होगा, और एक 20 साल के बाद फिर वो सारे वैल्यू सेटल्ड हो जाती है। आजकल ज़्यादातर लैब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जैसे ही एज डालोगे वैसे ही वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कुछ लैब नहीं यूज़ करती, उस केसेस में ये जो रेफरेंस रेंज है वो बिल्कुल अलग है। तो आइए हम सारे अलग अलग पैरामीटर्स की रेफरेंस रेंज पहले देख लेते हैं कि कितनी होती है, उसके बाद रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सब जो सबसे पहला हमारा पैरामीटर उसको WBCs में देखना है। WBCs का काउंट 4000 और 11000 की पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए। 4000 से अगर कम है तो इसको ल्यूकोपीनिया बोलेंगे, और 11000 से ज़्यादा इसको ल्यूकोसाइटोसिस। फिर उसके 5 अलग अलग सेल्स हैं, ये सारे परसेंटेज में आएंगे। न्यूट्रोफिल 40 से लेके 70% होता है, लिम्फोसाइट 20 से 40%, योसिनोफिल 2 से 6%, मोनोसाइट 2 से 10% और बेसोफिल लेस देन 1% होता है। ये WBCs के पैरामीटर्स हो गए। अब आइए RBCs के पैरामीटर्स देखते हैं। RBCs काउंट ये भी डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल, मेल थोड़ा ज़्यादा और फीमेल से कम। मेल में 4.5 to 5.9 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, और फीमेल्स में 4.1 से लेकर 5.1 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। अब सेकेंड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी डिपेंड करता है एज पे और सेक्स पे। मेल में इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और बच्चों में 11.5 से लेकर 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ये अलग अलग एज के हिसाब से सॉफ्टवेयर अपने आप इसको कर देता है। एक जनरल रूल है कि 12 से नीचे है तो एनीमिया है। अब आ जाते हैं अगला जो पैरामीटर होता है हीमेटोक्रिट, उसको बोलते हैं PCV। PCV भी मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये हीमेटोक्रिट टोटल RBC जो मास है ब्लड के अंदर उसको डिनोट करता है। अब आइए बाकी के पैरामीटर, जैसे MCV उसको बोलते हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, मशीन इसको कैलकुलेट करती है। जो नॉर्मल रेंज होती है वो फेमटोलीटर में है, 80 से लेके 100 फेमटोलीटर तक। अगर नीचे हो जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिडोब्लास्टिक एनीमिया, इन सब में होता है। और 100 से ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटोसिस, विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, और कुछ और कंडीशन है जैसे कीमोथेरेपी दवाई चल रहे हैं उस केस में बढ़ जाएगा था। इसी तरीके से MCH भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, मशीन कुछ टेस्ट नहीं लगाती, बस जो वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट कर देती है। उसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन एक सेल में कितना है पिकोग्राम में मेजर किया जाता है, 27 से लेकर 32 पिकोग्राम पर सेल में होना चाहिए। इसी तरीके से MCSC भी एक कैलकुलेटेड तरीके से एक RDW है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन। वो ये बताती है कि जो RBCs हैं उनका साइज कैसा है। अलग अलग अगर साइज के ज़्यादा सेल्स होंगे तो RDW बढ़ जाएगा। RDW हमेशा बढ़ते ही, घटने का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया होती है जैसे आयरन डिफिशियंसी या मेगलोब्लास्टिक है, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर, उनमें RDW बढ़ा हुआ होता है। तो ये सारे RBCs पैरामीटर्स हैं। अब प्लेटलेट के पैरामीटर्स देखते हैं। टोटल प्लेटलेट काउंट मेल फीमेल बच्चों में सब में लगभग सेम ही होता है, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। और इसमें मेन प्लेटलेट वॉल्यूम और मेन प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन बिटती है भी कुछ लोग रिपोर्ट्स में देते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। अगर रिपोर्ट में मेन प्लेटलेट वॉल्यूम है का मतलब है कि जो प्लेटलेट है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इसी तरीके से प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन कितना साइज में वेरिएशन हो रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स प्लेटलेट देखने के लिए होते हैं। अब आइए देखते हैं। तो सर सब दोस्तों पैरामीटर्स हो गए। अब जो रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है, उसमें आपके कम ज़्यादा होने का क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। अगर WBCs काउंट बढ़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, वो इन्फेक्शन में किसी तरह का इन्फेक्शन, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन में कहीं भी एक्सेस हो गया है, रूमेटिक अर्थराइटिस, क्रोनिक इन्फेक्शन, फ्रैक्चर हो गया है, चोट लग गई है, इस कंडीशन में बढ़ जाएगा।
साथ में स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी है, उन सब केसेस में ल्यूकोसाइटोसिस मैलिग्नेंसी ब्लड कैंसर में बढ़ जाती है, और अगर कम हो जाए उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में या कोई कीमोथेरेपी चल रही है, कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, बोन मैरो में कुछ इन्फिल्ट्रेशन के डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उस केसेस में हो जाएगी। इसी सेम कंडीशन है न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपीनिया की। जो अक्यूट इन्फेक्शन है उसमें न्यूट्रोफिलिया हो जाता है, जो क्रोनिक इन्फेक्शन है थोड़े दिन के लिए उसमें लिम्फोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटो काउंट बढ़ जाएगा। जो एलर्जिक कंडीशन है जैसे अस्थमा है, स्किन की एलर्जी है, पैरासाइट पेट में है, उसमें इओसिनोफिलिया हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ज़्यादा लंबे समय की बीमारी है, मलेरिया है, या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सिफिलिस है, इस कंडीशन में मोनोसाइट काफ़ी बड़ा सेल होता है वो बढ़ जाएगा। बेसोफिलिया लेस देन 1% है, वो ज़्यादातर नहीं बढ़ता। एक दो कंडीशन है सीएमएल क्रोनिक मलाई ल्यूकेमिया, उसमें बेसोफिलिया मिलता है। तो ये सारे बढ़ने की कंडीशन हो गई WBC और उसके अलग अलग सेल्स की। ऐसे ही आपका जो सेकंड पैरामीटर देखना हीमोग्लोबिन, अगर वो 12 से कम आ रहा है मतलब एनीमिया है। एनीमिया के अलग अलग काज हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी मतलब खाने में कुछ आपकी कमी, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, या विटामिन B12, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये हो सकती है। सेकंड हो सकती है कि आपके RBC ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, जैसे थैलेसीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कारण हुई। और थर्ड है प्लास्टिक एनीमिया, मतलब बोन मैरो बना नहीं रहा है। तो ये एनीमिया के अलग अलग फिर फर्दर काजेज होते हैं। अगर आपने CBC कमेंट्स कराया है तो जो नीचे सेक्शन रहता है कमेंट्स का, उसमें RBC की पिक्चर रहती है, WBC की प्लेटलेट की, और नीचे इंप्रेशन में डॉक्टर आपको पैथोलॉजिस्ट पूरा बता देता है कि किस टाइप की एनीमिया है। अगर आपको नहीं है, कमेंट्स नहीं मिला है, तो आप हीमोग्लोबिन के वैल्यू से इस टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ज़्यादा नहीं, MCV और MCH के वैल्यू एक रफ आइडिया थोड़ा बहुत लग सकता है। इसी तरीके से अगर हीमोग्लोबिन बढ़ा हो उसको बोलते पोलोसाइथीमिया। यूजुअली एक बीमारी होती है पोलोसाइथीमिया वेरा, बहुत रेयर है। ज़्यादातर केस में अगर बढ़ा हुआ तो या तो सिगरेट स्मोकिंग है, या तो हाई अल्टीट्यूड पे है, या तो लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम, उससे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ सकता है। अब जो तीसरा पैरामीटर है प्लेटलेट, प्लेटलेट अगर कम हो जाए 1.5 लाख से उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसकी ग्रेडिंग है माइल्ड, मॉडरेट और सीवर। 1 लाख तक प्लेटलेट एक्सेप्टेबल है, अगर उससे नीचे आ रहा है इसका मतलब कि या तो आपको वायरल इन्फेक्शन है, या तो मलेरिया है, या कीमोथेरेपी की मेडिसिन चल रही है, ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर है जैसे ITP है, या कोई ड्रग्स चल रही है, और इसी तरीके से रूम बहुत सारे वास्कुलर डिसऑर्डर्स में कम हो जाते हैं। और प्लेटलेट अगर 4.5 लाख से ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ज़्यादातर केस में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में मिलता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, या तो इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, किसी तरीके से इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस केस में थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। तो दोस्तों ये सारा CBC ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बारे के हम लोगों ने जाना। ये बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट है, बहुत बेसिक टेस्ट है, इससे आपके बॉडी की ओवरऑल एक हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो जब भी आप CBC ब्लड रिपोर्ट आपको मिलेगी तो तीन पैरामीटर फोकस करना है, हीमोग्लोबिन पे, WBC के और उस PLC और उसके DLC और प्लेटलेट पे कम हुए हैं कि ज़्यादा नहीं हुए हैं। बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली पैथोलॉजिस्ट के लिए होते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन निकाले, या तो दूसरे ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स की किस टाइप की एनीमिया या किस टाइप का इन्फेक्शन होता है। तो मेरी उम्मीद है कि अब आप जब लोगों को ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी कि आपको CBC इंटरप्रिटेशन करने में काफ़ी सुविधा होगी।